नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वंडर्स में। दोस्तों, वरुण बेवरेजेस से अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू करने वाली है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में इस शेयर के अंदर क्या टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों, आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। दोस्तों, कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करने वाली है, तो कंपनी जिसके पास भी दो शेयर है उसके बदले जो है कंपनी एक शेयर जो है बोनस देने वाली है। तो इन केस अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपके पास अगर इस कंपनी के 10 शेयर है, तो कंपनी आपको 5 शेयर जो है बोनस में देने वाली है। मतलब कि 2 शेयर के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। और ये शेयर्स जो है कब तक दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 27 जून 2022 तक जो है ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नतीजों की। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 63% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वहीं ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर कंपनी का अराउंड 2300 करोड़ का टोटल इनकम था, अभी इंक्रीज हो गई है 2900 करोड़ हो गया। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन अभी कंपनी ने इतना शानदार टोटल इनकम दिखाया है कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 270 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है एज ऑन मार्च 2022। और अगर मैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी बात करूं, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, तो ये 136 करोड़ से 270 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। डबल होने का रीजन ये है दोस्तों, एक तो कंपनी के जो है टोटल इनकम बढ़ी है नो डाउट, और वहीं खर्चे भी काफी कम हुए हैं एज कम्पेयर टू टोटल इनकम। तो आप देखोगे दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 6% का लास्ट ईयर था, अभी इंक्रीज हो गया ऑलमोस्ट 9.5% का हो गया है। वहीं अभी मैं ईपीएस की बात करूं दोस्तों, तो 3 का ईपीएस था, अभी ये इंक्रीज हो गया 6 का ईपीएस हो गया है, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो 6 का ईपीएस इसलिए दोस्तों हुआ है क्योंकि ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बड़ा है, इसीलिए ईपीएस भी कंपनी का बड़ा है। तो ओवरऑल कंपनी के इस बार के जो नतीजे है काफी जबरदस्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो अराउंड 65% के आसपास है, तो एक कांस्टेंट होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। वहीं एफआईएस की जो होल्डिंग है वो भी 21% के आसपास है, तो एक कांस्टेंट होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है ओवर द क्वार्टर्स। और डीएएस में होल्डिंग है वो इंक्रीज की है, तो लास्ट अगर मैं जून की बात करूँ ये 6% के आसपास थी, अभी ये इंक्रीज होकर 7% की हो गई है दोस्तों। तो ओवरऑल जो है प्रमोटर्स और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है काफ़ी कंपनी का सही दिख रहा है। और वहीं अगर मैं कोई भी शेयर गिरवी है या नहीं, तो सिर्फ कंपनी का 0.04% का जो मामूली हम कह सकते हैं ना के बराबर है, उतने ही शेयर गिरवी है। तो दोस्तों मतलब कि ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी का काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करूं, तो करंट जो शेयर प्राइस है वो 1060 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज 980 के आसपास निकल के आ रहा है। और वहीं इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज जो है दोस्तों ये 1018 के आसपास के निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों एवरेजेस के ऊपर जो है शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, और इसका जो मुझे अगला टारगेट लग रहा है वो इसका जो इसने जो अगला हाई बनाया था वो की जो कि है 1143 रुपये दोस्तों, ये जो है एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों जो अगला टारगेट होगा वो 1200 के लेवल को ये जो शेयर है वो टच कर सकता है। तो ये तो हुए अगले टारगेट्स दोस्तों, पर ओवरऑल जो इससे नतीजे दिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 1200 का एक बार लेवल टच कर जाएगा तो 1250 के भी लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको आपके पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं और कौन से प्राइस में खरीदे हुए हैं, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। धन्यवाद।